हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको ब्लाउज़ काटना बताया था, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। आज मैं आपको रेप पट्टी बताती हूँ जो ब्लाउज़ के गले में लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है, अब हम इसमें तिरछे निशान लगाएंगे इस तरह से, तिरछा निशान ऐसे रखते हुए। देखिए इसमें थोड़ा गैप देते हुए इस तरह से हम निशान लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देते रहिए और ये हमारी रेप पट्टी बन जाएगी। रेप पट्टी यानी कि जो पट्टी हम गले में लगाते हैं, इसे लगाने से गला अच्छे से सेट हो जाता है, वो पट्टी है ये। इस तरह से पूरे कपड़े पर निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पूरे कपड़े पर निशान लग गया है, हम जितनी पट्टियां हमें ज़रूरत है उतनी हमने इस पर निशान लगा लिया है। और उसके बाद में अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। रेप पट्टी काटना बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से इसमें निशान लगाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से सीधे सीधे निशान लगाते रहिए। इस पट्टी को लगाने से हमारे गले में, ब्लाउज़ के या सूट के किसी भी चीज़ के गले में अगर आप लगा रहे हैं तो झोल नहीं आता है, और नहीं तो झोल आ जाता है और गला सही नहीं बैठता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने काट लिया है। अब हम इसकी पहचान क्या है कि ये रेप पट्टी है या नहीं। देखो इस तरह से हम स्टिच करके देखेंगे इसको, इससे इस तरह से खींच के देखेंगे तो ये पट्टी हमें खिंचती हुई नज़र आएगी। इसमें स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, आराम से खिंच जाती है, आराम से लग जाती है। अब इसकी सिलाई कैसे करते हैं, देखिए ये वाली पट्टी इस ये नोक इस साइड लिया और ये इस साइड ऐसे ले लिया। इसी तरह से ये वाली दूसरी एक और पट्टी ली और उसका मुंह ये नोक इधर और ये सिंपल वाला हिस्सा इधर रखते हैं, और इन दोनों को ऐसे रखते हुए इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे रख के नहीं सिलते हैं, अगर हम इसको ऐसे रख के सिलेंगे तो ये वी शेप में आ जाएगी, देखिए इस तरह से, जबकि हमें सीधी बनानी होती है। सीधी बनाने के लिए क्या करते हैं, नोक वाला हिस्सा एक पट्टी की नोक उधर और दूसरी पट्टी की नोक इधर रख के इनको आपस में इस तरह से जॉइंट करते हैं और ऐसे सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर ऐसे। यहाँ पर जब अभी ये सिलाई लग जाएगी तो आप देखेंगे कि ये पट्टी बिल्कुल सीधी आई है। इस तरह से ड्रेप पट्टी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।